हाई गाइज, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू माई चैनल जॉन योर सेल्फ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक का रिव्यू। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आएगा और आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड येस, अगर आपको इधर उधर से कोई शोर आ रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है एंड यहाँ पर हमारी बिल्डिंग में दो लड़कियों की शादी हुई है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। बट मुझे वीडियो बनानी थी, बहुत टाइम से मैं अपने चैनल पर एक्टिव नहीं हूँ एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है मैंने अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तो मुझे वीडियोज़ अपलोड करनी थी, शूट करनी थी, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ इस शोर को इग्नोर करना जितना हो सके। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एडिटिंग में इसको थोड़ा सा कवर अप कर सकूं एंड अब से मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपने चैनल पर एक वीक में दो वीडियो ज़रूर अपलोड करूं ताकि मैं अपने चैनल पर एक्टिव रह सकूं। सो या लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक का रिव्यू। एंड यस, ये ओरिजिनल नहीं है, मैंने इसे अपनी लोकल मार्केट से परचेज किया है। सिर्फ 100 रुपीज़ में मुझे ये मिली है एंड इसका जो शेड है वो है हार्ट ब्रेकर। इसके ऊपर इसका कोई शेड नेम कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट मैंने इसको नायका पे चेक किया तो इसका जो सिमिलर शेड है बिल्कुल सेम ऐसा ही शेड हार्ट ब्रेकर नाम है उसका। सो इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि इसके शेड नेम क्या है। इसका शेड नेम है हार्ट ब्रेकर एंड ये एक पिंकिश ब्रूनिश काइंड ऑफ शेड है, आप देख सकते हैं। शेड बहुत ही ज़्यादा प्यारी है एंड मुझे शेड कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया था। एंड मैं ये भी देखना चाहती थी कि हुडा ब्यूटी की जो यहाँ पर फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं, सो इसलिए मैंने इसको यहाँ से परचेज़ किया है। एंड इसका जो एप्लीकेटर है बिल्कुल सिमिलर हुडा ब्यूटी जैसी ही दिखती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम उसी की कॉपी है। बट मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल हुडा ब्यूटी कैसी होती है, कैसी दिखती है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है। सो जो मुझे ऊपर से दिख रही है वो तो यही हुडा ब्यूटी की जो शेप है यही होती है एंड उसके ऊपर इसी तरह से लिखा होता है हुडा ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक। बट आई थिंक उसके ऊपर जो है स्टिकर लगा होता है उसके शेड नेम का, जो कि इस लिपस्टिक के ऊपर नहीं है। इसके ऊपर कोई भी स्टिकर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है फाइंड करना। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेटर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, सॉफ्ट एप्लीकेटर है, आप देख सकते हैं। एंड इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही ज़्यादा बुरी है, लाइक कोई केमिकल की स्मेल होती है उस तरह की इसकी फ्रेगनेंस है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी है। ये तो हो गई इसकी पैकेजिंग की बात, ये मुझे इसी तरह से मिली थी एंड इसका जो पूरा पैक था वो भी अवेलेबल था 600 रुपीज़ में। आपको 12 शेड्स वाला पूरा जो बॉक्स होता है हुडा ब्यूटी लिपस्टिक का वो मिल जाता है यहाँ पर। सो मैंने सिर्फ एक ही लिपस्टिक ली क्योंकि मैं चेक करना चाहती थी कि कैसी है ये और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे ये कैसे लगी। सो अब मैं इसे अपने लिप्स पर आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी। एंड सो मैं सबसे पहले अपनी जो लिपस्टिक मैंने लगाई हुई है इसे रिमूव कर देती हूँ एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ बायोटिक का मेकअप रिमूवर। एंड अगर आप ये मेकअप लुक देखना चाहते हैं, ये बहुत ही सिंपल मैंने इसे अभी क्रिएट किया है और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे तो ये लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा कितना ज़्यादा ग्लोई लुक मैंने क्रिएट किया है, वो भी विदाउट हाईलाइटर। तो मुझे ये लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मैंने सिर्फ इसे क्रिएट किया है 4 मेकअप प्रोडक्ट से। अगर आप देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो अब मैं अपनी लिपस्टिक को रिमूव कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने अपनी लिपस्टिक रिमूव कर दिया है एंड अगर आप देखें तो मेरे लिप्स जो है मेरा अपर लिप थोड़ा सा डार्क है लोअर लिप से। सो देखती हूँ मैं ये जो लिपस्टिक है हुडा ब्यूटी की इसे कवर कर पाती है या नहीं। सो मैं अभी लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पर। प्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा बुरी है।
मैं लिपस्टिक अप्लाई कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है एंड अभी तक ये ड्राई नहीं हुई है बिल्कुल अच्छे तरीके से। थोड़ी सी वेट है, अब अगर आप देखें तो मेरी अपर लिप से थोड़ी सी वेट लग रही है, सो ये धीरे धीरे होकर ड्राई होएगी एंड 2 मिनट इसको ड्राई होने देते हैं। सो मेरे को अपने लिप्स पर थोड़ी सी ड्राइनेस लग रही है क्योंकि ये मैट लिपस्टिक है तो ऑब्वियसली ड्राइनेस लगेगी और मेरी लिप्स है ड्राई सो इसलिए मुझे ज़्यादा लग रही होगी। एंड अगर मैं अपने लिप्स को इस तरह से प्रेस कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे लिप्स पर मेरे लिप्स जो है स्टिक हो रहे हैं आपस में। एंड जिन लोगों के ड्राई लिप्स होते हैं, चैप लिप्स होते हैं, उनको ना आदत होती है इस तरह से करने की, बार बार अपने लिप्स को प्रेस करने की। सो मुझे भी ये आदत है, मैं इस तरह से बार बार करती रहती हूँ एंड आप देख सकते हैं मैंने जब जितनी बार ऐसे किया मेरी जो लिपस्टिक है वो हट गई है, धीरे धीरे मेरी लिपस्टिक हटती जा रही है मेरे अपर लिप्स से। एंड वैसे लिपस्टिक किस प्रूफ तो है, ट्रांसफ़र प्रूफ है, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है मेरे हाथ पर, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, बट मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रहे हैं एंड थोड़े से स्टिकी भी लग रहे हैं। और जो मेरी लिपस्टिक है बार बार इस तरह से प्रेस कर रही हूँ अपने लिप्स को तो मेरी लिपस्टिक जो उतरती जा रही है धीरे धीरे, तो ये लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। लिपस्टिक की पिगमेंटेशन धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है तो मुझे तो ये लिपस्टिक पसंद नहीं आई है। एंड अगर आप देखें तो इसके अंदर सिर्फ 100 रुपीज़ में अगर आप ओरिजिनल हुडा ब्यूटी लेने जाते हैं तो आपको 1600 समथिंग की मिलेगी एंड आप नायका पे चेक कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। एंड मैं भी ओरिजिनल ही प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करती हूँ बट मैंने सिर्फ इसलिए परचेज की थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि ये लिपस्टिक कैसी है। सो ये लिपस्टिक थोड़ी सी इसके अंदर बहुत बुरी फ्रेगरेंस है, सेकेंड की ये बहुत ज़्यादा लिप्स को ड्राई कर रही है, थर्ड आपकी जो लिपस्टिक है धीरे धीरे निकलती जा रही है बिना कुछ किए। आप इस तरह से करेंगे आपके लिप्स आपके स्टिक हो जाएंगे एंड आपकी लिपस्टिक दूसरे लिप्स पे ट्रांसफ़र हो जाएगी या फिर हट जाएगी एंड मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। थर्ड फोर्थ इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो आपके लिप्स को क्रैक कर सकते हैं, इन डैमेज कर सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है आपको इनकी केमिकल्स की वजह से एंड आपके लिप्स जो चैप्ड हो सकते हैं, कट लग सकता है आपके लिप्स में, आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं फेक प्रोडक्ट यूज़ करने से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट फेक प्रोडक्ट ना लें, ये आपके स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल रहेगा एंड आप ये सोच कर ले लेंगे कि ये सस्ता है तो अच्छा है, सस्ता है बट हुडा ब्यूटी है तो क्या हुआ ले लेते हैं, बट इसमें आप बहुत सारे केमिकल्स जो आपकी स्किन को हार्म करेंगे। सस्ती लिपस्टिक के चक्कर में आपको डॉक्टर के 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, एक लिपस्टिक के लिए आपको 10 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपनी स्किन दिखानी पड़ेगी, बार बार चेक करानी पड़ेगी, तो उसका भी डबल खर्चा हो जाएगा। इससे अच्छी बात है कि आप एक अच्छी लिपस्टिक ले, अगर आप हुडा ब्यूटी नहीं ले सकते, ओरिजिनल नहीं ले सकते, फिर भी मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज लिपस्टिक की अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल है अंडर 100-200 रुपीज़, तो आप वो ले सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करने के लिए आप हुडा ब्यूटी लिपस्टिक लें, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात होगी, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ लिपस्टिक की पिगमेंटेशन अच्छी है, फ्रेगरेंस बहुत गंदी है, बट अगर आपके लिप्स ही ख़राब हो जाएंगे तो लिपस्टिक का क्या करोगे। सो मैं तो इसको बिल्कुल भी आप लोगों की तरफ से बिल्कुल ना है, आप ऐसे लिपस्टिक्स को बिल्कुल भी परचेज ना करें। हुडा ब्यूटी, मैक, ये सब मेरे लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं बट मैंने सिर्फ ये एक लिपस्टिक परचेज़ की थी सिर्फ ये देखने के लिए कि ये मेरे लिप्स को सूट करती है या नहीं, या फिर मुझे ये कैसी लगती है, बट इसने मेरे लिप्स को बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर दिया है 1 मिनट में एंड ये बिल्कुल भी ये देखें, मैं इस तरह से अपने लिप्स को रब कर रही हूँ और लिपस्टिक सारी मेरी उंगली पर आ गई, वाओ। सो मुझे तो ये लिपस्टिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि फेक प्रोडक्ट यूज़ ना करें, अपनी स्किन को हार्म ना करें, इससे बेटर है आप ओरिजिनल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अंडर 100-200 जो भी आपको मिले, जो भी आप परचेज़ कर सकते हैं वो सब करें, लेकिन फेक के पीछे ना भागें।
ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं। सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं। एंड आई रिमेम्बर मैंने एक हाइलाइटर परचेज किया था लोकल मार्केट से, एंड वो ADS का था। एंड मुझे लगा ADS के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इतने सस्ते मिलते हैं, इतनी चीप प्राइस में मिलते हैं, तो ये तो ओरिजिनल होगा ही, बट वो भी ओरिजिनल नहीं था, एकदम फेक था। उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा शिमर था, एंड उसको मैंने पूरा निकाल दिया, स्क्वीज कर दिया, एंड उसके अंदर मुझे दिखा कुछ वाइट वाइट केमिकल था उसके अंदर। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ आप लोग फेक प्रोडक्ट ना परचेज करें। सो ये था मेरा हुडा ब्यूटी, फेक हुडा ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक का रिव्यू, एंड आई रियली होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करें कि वो भी फेक प्रोडक्ट ना लें, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग जाने कि फेक प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। सो अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।